नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। मंगलवार के दिन जयपुर शहर में मिसेज यूनिवर्स यूरो एशिया का टाइटल जीत चुकी रश्मि सचदेवा पहुँची। वे यहाँ एक निजी कार्यक्रम में आई है। बता दें कि रश्मि की एक बेटी भी है। दोनों ही अपनी खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती है। बेटी के कहने पर ही रश्मि ने मॉडलिंग को करियर के रूप में चुना। महज 19 साल की उम्र में रश्मि की शादी दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज सचदेवा से हुई थी। तब वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी। 13 सितंबर 1995 को उनकी बेटी अस्का का जन्म हुआ। उन्होंने बेटी को संभालते हुए ग्रेजुएशन और इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा पूरा किया। बेटी अस्का 22 साल की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स कर रही है। रश्मि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे बचपन से ही फोटो क्लिक करवाने का शौक था। एक बार सिर्फ शौक रिया एक मैगजीन में मैंने अपनी फोटो भेजी थी और वो पब्लिश होगी। मॉडलिंग वर्ल्ड में एंट्री के बारे में वो बताती है, 2015 में दिल्ली में एक मिसेज ब्यूटी पेजेंट था जिसमें मेरी फ्रेंड पार्टिसिपेट कर रही थी। ये देखकर मेरी बेटी बोली, मम्मी आपको भी ट्राई करना चाहिए। पहले मैंने मना किया लेकिन वो उस कॉन्टेस्ट के लिए जिद पकड़कर बैठ गई। मैंने पार्टिसिपेट किया और खिताब मुझे मिल गया। इसके बाद मैंने मिसेज इंडिया का खिताब जीता और मिसेज एशिया इंटरनेशनल का टाइटल मिला। यहीं से मैं चीन के ग्वांगझू में हुए मिसेज यूनिवर्स के लिए गई थी, जहां मुझे मिसेज यूनिवर्स गोल्डन हार्ट का टाइटल मिला। एक तरफ जहां रश्मि सचदेवा देश में होने वाले बड़े इवेंट्स में नजर आती हैं, साथ ही वे कई प्रोडक्ट लॉन्च में भी दिखाई देती है, वहीं रश्मि की बेटी अस्का किसी मॉडल से कम नहीं लगती। उनको सुपर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। वो होम डेकोर में करियर बनाना चाहती हैं। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, जहां दोनों की खूबसूरती की जमकर तारीफ होती है।